अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अक्सर अवकात हमारी फ़ोन में मेमोरी जितनी भी ज़्यादा हो, फिर भी हमें मेमोरी का मसला आता रहता है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे ट्रिक्स सिखाऊंगा जिससे आप अपने फ़ोन मेमोरी को कम रख सकते हैं, कम कर सकते हैं, क्लीन अप कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे गुजारिश है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक फ्यूचर में आसानी और बरवक्त मिलती रहे। नंबर वन, सबसे पहले क्या करना है आपने, सबसे पहले जाए वो अनवांटेड ऐप्स जो आपने वक्ती तौर पर अपने फ़ोन में इंस्टॉल किए और यूज़ करने के बाद आप भूल गए, वो आपके फ़ोन में पड़े रहते हैं जिससे आपकी मेमोरी पे बहुत असर पड़ता है। तो वो आप वन बाय वन अनइंस्टॉल करें जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी जो है वो रिलीज़ हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। इसके बाद नंबर दो, दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है, सबसे पहले जाए अपने फाइल मैनेजर में जाके ऑल फाइल्स पे क्लिक करें। उसके बाद इंटरनल स्टोरेज में आप सर्च करें व्हाट्सएप, आप मैन्युअली भी जा सकते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप में जब हम किसी को पिक्चर वीडियो वगैरह सेंड करें तो उसकी कॉपी यहाँ पर सेव होती रहती है, तो आपने सेंट का जो है तमाम फोल्डर्स डिलीट करने हैं। यहाँ पर सबसे पहले इमेज का जो है हम सेंट फोल्डर डिलीट करेंगे। इमेज बहुत ज़्यादा ही आप देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स और इमेज ये सब जो है हमें बहुत सी मेमोरी फ्री करके दे सकती है। तो आपने सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स, इमेज, वीडियोस और इस तरह व्हाट्सएप सेंट जो भी फोल्डर है वो आपने डिलीट करने हैं, क्योंकि उसी फाइल्स का आपको ज़रूरत ही नहीं है जो आपने दूसरे लोगों को सेंड की है, वो हाइड एंड यहाँ पर आपके व्हाट्सएप फोल्डर में, सिर्फ सेंट फोल्डर में पड़ी रहती है। यहाँ पर मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैं आखिर में आपको दिखाऊँगा ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम जो है मैं 6-7 GB की मेमोरी आप लोगों को यहाँ पर लाइव फ्री करके दिखाऊंगा। इसके बाद जब आप इस तरह व्हाट्सएप सेंड को क्लियर करें तो फिर तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, तीसरे नंबर पे जाए प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर सर्च करें डुप्लीकेट क्लीनर। डुप्लीकेट क्लीनर में यहाँ पर आपको चौथे नंबर पर जो दिखाई दे रहा है डुप्लीकेट फाइल रिमूवर, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और इसी फाइल को इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। याद रहे, इसी फाइल को इंस्टॉल करने के बाद आपने अनइंस्टॉल करना है जब आप इसको यूज़ करें, क्योंकि ये फाइल्स इसी तरह फाइल्स ख़तरनाक होते हैं फ़ोन के लिए। यहाँ पर हम सिर्फ अपने यूज़ के लिए, अपने काम के लिए इसको इंस्टॉल करेंगे, बाद में रिमूव करेंगे। जब आप इसको ओपन करें, ओपन करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इमेज पे, मतलब आपके फ़ोन में डुप्लीकेट फाइल, डुप्लीकेट इमेज, जो डबल ट्रिपल वीडियोस, इमेज, ऑडियो जो भी हो वो पड़े हो ताकि वो डिलीट हो सके। स्कैन पे क्लिक करेंगे और स्कैन के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कैन कर रहा है डुप्लीकेट फाइल्स। अब जो भी हो हमें दिखाई देगा आखिर में कि कितने फाइल्स हमारे पास डुप्लीकेट पड़े होते। ये आप देखें, हमारे पास ये इमेज जो है ये डबल है, तो हम इसको डिलीट करेंगे। नीचे डिलीट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करें और डुप्लीकेट इमेज जो है उसको डिलीट करें। उसके बाद वीडियो को स्कैन करेंगे, ये आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैंने थोड़ा सा स्पीड अप किया हुआ है इसे। इसके अलावा आप स्कैन होने तक आप ये भी कर सकते हैं कि अपने मेमोरी में, अपने फ़ोन में कैमरा से जो पिक्चर्स आपने निकाली है उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप वो इमेज जो आपने वक्ती तौर पर निकाले हैं लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है आपको उसी इमेज की, तो वो आपका बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो ले लेती है आपके फ़ोन का, तो वो आप डिलीट करें। इससे भी आपकी फ़ोन की मेमोरी ज़्यादा से ज़्यादा फ्री हो सकती है। ये आप देखें, ये मेरे पास वीडियोज़ आगे डुप्लीकेट जो दो जगह मेरे फ़ोन में पड़े हुए, इसको भी मैं डिलीट करूँगा यहाँ से। ये हो गए डिलीट। इसी तरह ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स, आदर वगैरह ये सब चीज़ें जो है आपने इसी तरह स्कैन करना है ताकि आपके पास डुप्लीकेट फाइल्स हो तो वो डिलीट हो जाए। फिर इसको करेंगे एग्ज़िट और इसको आपने याद रहे रिमूव ज़रूर करना है अपने फ़ोन से जब आप इसको यूज़ करें। अब चल के देखते हैं कि कितनी मेमोरी हमारे पास फ्री हो गई है। पहले थी 112 GB यूज, आप 128, अब है 105 GB यूज। मैंने याद रहे आपको बताया था कि 5 से 6 GB मैं आपको फ्री करके दिखाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लर्निंग अर्निंग फन यूट्यूब पे सर्च करके या वीडियो के नीचे
सब्सक्राइब बटन क्लिक करके सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वीडियोस आप तक मिलती रहे। दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।